नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन वैक्सीनेशन ने दो दिन में क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कितने टीके लगे हैं, कितने लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं और क्या ये सामान्य है या फिर गंभीर है, इसकी कंप्लीट रिपोर्ट आपको देने वाले हैं। इसके बाद हम वैक्सीनेशन पर चल रही नॉनस्टॉप पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन अभियान पर सरकार के नंबर काटने में जोर लगा दिया है। आज वैक्सीनेशन पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से चार सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने वैक्सीन की कीमत पर सवाल उठाए हैं, फ्री वैक्सीन का मुद्दा उठाया। हम इस पूरी राजनीति का भी आज विश्लेषण करने वाले हैं। इसके अलावा आज हम आपको लद्दाख की पैंगोंग लेक भी लेकर चलेंगे, जहां पर 10 महीने से यहां भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं, लेकिन तब से पहली बार पैंगोंग लेक तक सबसे पहले आज तक पहुंचा है। एलएसी पर तनाव के बीच पैंगोंग लेक से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और ये बताएंगे कि पैंगोंग लेक में 10 महीने बाद अब आज क्या है हाल। इसके बाद हम वेब सीरीज तांडव पर चल रहे विवाद की भी बात करेंगे। सवाल यह है कि आखिर ये वेब सीरीज बेलगाम क्यों है, क्योंकि बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें हिंदू आस्था का अपमान करने और देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के आरोप लगते हैं। तांडव पर क्यों विवाद हो रहा है ये भी आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले भारत के मिशन वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। आज वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। दो दिन में 2,24,301 लोगों को टीका लगाया गया। आज 6 राज्यों में वैक्सीनेशन हुआ है और 17,072 लोगों को टीके लगाए गए। पहले दिन भारत में 2,07,229 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में इतने ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई गई। भारत ने इस मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। राज्यों से यह कहा गया है कि वो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए एक हफ्ते में 4 दिन के सेशन ही प्लान करेंगे। ये 4 दिन कौन से होंगे ये राज्य सरकारें अपने हिसाब से तय करेंगी। जहां तक साइड इफेक्ट्स की बात है तो देश भर में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी कि AEFI के 447 मामले सामने आए हैं। इनमें ज्यादातर को हल्का बुखार, सिरदर्द की शिकायत रही। सिर्फ 3 ऐसे मामले थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। इनमें से 2 लोग दिल्ली के थे जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि एक मामला उत्तराखंड के ऋषिकेश का है, उसमें भी संबंधित व्यक्ति की हालत फिलहाल ठीक है। यानी एक तरह से मिशन वैक्सीनेशन की यह शानदार शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसी शुरुआत के बावजूद वैक्सीनेशन पर राजनीति का ग्रहण दूर होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने वैक्सीन की कीमत से लेकर वैक्सीन के एक्सपोर्ट तक पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सवाल राजनीति की जल्दबाजी में उठाए गए और कांग्रेस की कोशिश ये दिख रही है कि सरकार को मिशन वैक्सीनेशन का कम से कम क्रेडिट मिले। देखिए, कोरोना की वैक्सीन आ गई, बहुत कम समय में आ गई, ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी। जिस संकल्प पर देश का सीना चौड़ा है, जिस अभियान पर देश को अभिमान है, जिसे देखकर बड़े बड़े देश हैरान हैं, जिससे अब कोरोना का अंत दिखता है, वो सब देश की पॉलिटिक्स को पब्लिसिटी स्टंट क्यों लगता है? इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, ये ना पब्लिसिटी स्टंट है, ना व्यक्ति के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की चीज हो सकती है। ये जन सेवा का माध्यम है और शायद वो लोग भूल गए जो आज इस टीके के माध्यम से आपदा में राजनीतिक या व्यवसायिक अवसर ढूंढ रहे हैं। ये राजनीति का डर है या जलन,
कांग्रेस पीएम मोदी के नंबर काटने में लग गई। क्रेडिट कहीं मोदी को ना मिले, इसलिए टीकाकरण पर देश का इतिहास बता दिया। कांग्रेस राज के टीकाकरण गिना दिए कि पिछले 73 सालों से कांग्रेस की सरकारों के चलाए हुए टीकाकरण में हर साल 40 करोड़ देश के नागरिकों, बच्चों, महिलाओं इत्यादि को 40 करोड़ टीके मुफ्त दिए जाते हैं। तो इस टीके के बारे में भी प्रधानमंत्री बताएं। वैक्सीनेशन शुरू हुए एक दिन ही हुआ है, इस पर राजनीति खुलकर होने लगी है। 24 घंटे में ही कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया। वैक्सीनेशन ड्राइव पर 4 सवाल पूछ लिए। मोदी सरकार ने 1,65,00,000 डोज का ऑर्डर दिया था, इससे 82,00,000 लोग अभी कवर होंगे। कांग्रेस ने सवाल किया कि बाकी लोगों को वैक्सीन कब मिलेगी, बाकी लोगों को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या नहीं, गरीबों को मुफ्त वैक्सीन कब मिलेगी, क्या सरकार मुफ्त वैक्सीन के वादे से पलट गई। कांग्रेस ने दूसरा सवाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत पर किया। उसका दावा है कि कोविशील्ड की बेल्जियम में कीमत 158 रुपए प्रति डोज है, फिर क्यों भारत सरकार ने कोविशील्ड को 200 रुपए प्रति डोज में खरीदा। कोवैक्सीन सरकार को 295 रुपए प्रति डोज में मिली है, क्यों इसके लिए कोविशील्ड से 95 रुपए ज्यादा दिए गए। कांग्रेस ने तीसरा सवाल ओपन मार्केट में वैक्सीन की कीमत पर किया। कोविशील्ड ओपन मार्केट में 1,000 रुपए की कीमत में मिलेगी। कांग्रेस ने सवाल किया, जब सरकार को कोविशील्ड 200 रुपए में मिल रही है तो बाजार में 1,000 की संभावित कीमत क्यों चली। कांग्रेस ने चौथा सवाल वैक्सीन की एक्सपोर्ट पर किया और ये पूछा कि भारत की पूरी आबादी को टीका लगाए बिना कोविशील्ड के एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी गई। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि वो 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, पर अभी तक भारत सरकार ने केवल 82,50,000 लोगों के लिए 165,00,000 वैक्सीन के डोज खरीदे। तो 138 में से 3 करोड़ छोड़ दें तो 135 करोड़ का क्या होगा, क्योंकि आधार पुणे वाला और सीरम इंस्टीट्यूट तो कह रहे हैं कि वो 1,000 रुपया प्रति डोज में वैक्सीन को बाजार में बेचेंगे, यानी आपको और मुझे 2,000 रुपया में वैक्सीन लगेगा। तो अगर 2,000 रुपया में वैक्सीन लगेगा और अगर 100 करोड़ लोगों को भी वैक्सीन लगवाना पड़ा तो 1,600 रुपया अतिरिक्त हुआ, 200-200 रुपया अगर हम कॉस्ट छोड़ दें सरकार की, तो 1,60,000 करोड़ रुपया तो यही हो गया। तो प्रधानमंत्री बताएं कि 500% प्रॉफिट क्यों ये कंपनियां कमा रही हैं, क्योंकि आपदा में अवसर नहीं हो सकता। कोरोना का टीका सबके लिए उपलब्ध हो, बहुमत के लिए निःशुल्क उपलब्ध हो। लेकिन क्या राजनीति की हड़बड़ी में ये सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो पहले चरण पर काम शुरू ही हुआ है और इस चरण में वैक्सीन फ्री, आगे फ्री वैक्सीन पर क्या फैसला होगा ये तय नहीं हुआ है। पहले चरण के लिए अभी वैक्सीन का कितना ऑर्डर और देना है, ओपन मार्केट में वैक्सीन के लिए सरकार ने क्या सोचा है, ये सब आगे की बातें, इन पर अभी क्या कहा जा सकता है। इसीलिए सवाल है कि अभी से वैक्सीनेशन पर कोसने वाली राजनीति कितनी सही, क्या इस बात की चिंता है कि वैक्सीन पर कहीं मोदी सरकार के राजनीतिक नंबर न बढ़ जाए। आज तक ब्यूरो। भारत के मिशन वैक्सीनेशन पर आपको 5 बातें समझनी जरूरी हैं। पहली बात यह कि भारत के लिए गर्व की बात है कि हम अपने यहां बनी वैक्सीन से अपने लोगों को टीका लगा रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हैं, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। दूसरी बात, भारत की वैक्सीन दुनिया में सबसे सस्ती है। दूसरी वैक्सीन के मुकाबले भारत में बनी वैक्सीन 5 से 9 गुना तक सस्ती है। तीसरी बात, सभी को फ्री वैक्सीन के मुद्दे पर अभी सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। अभी सिर्फ पहले चरण के लिए फ्री वैक्सीन तय की गई है, इसीलिए अभी इस पर राजनीति सही नहीं। चौथी बात, ओपन मार्केट में वैक्सीन लाने पर भी सरकार ने अभी मंजूरी नहीं दी है। पांचवी बात, वैक्सीन के एक्सपोर्ट को कंपनियों के ग्लोब कमिटमेंट से देखा जाना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि चीन जैसे हमारे दुश्मन देश भी वैक्सीन डिप्लोमेसी करने में जुटे हुए हैं, इसीलिए भारत भी अगर ऐसा कर रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा अगर भारत की वैक्सीन
दुनिया भर में जाएगी तो ये भी दुनिया देखेगी कि जिस वायरस को चीन ने दुनिया भर में फैलाया उस वायरस का अंत करने वाली वैक्सीन भारत से दुनिया भर में जा रही है। ये सब समझकर भी वैक्सीन और वैक्सीनेशन अभियान पर अगर शंकाएं और सवाल उठाए जा रहे हैं तो आप खुद तय कर सकते हैं कि ये राजनीति कितनी सही है या फिर कितनी गलत है। बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नया नहीं है, कुछ अनोखा नहीं है, सब जैसा नॉर्मल जैसा घुसी थी वैसे ही बाहर आई। नहीं नहीं, कोई अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो के लगाए अपनी सेफ्टी इसमें हम सब की है। आज वैक्सीन लग गई तो मतलब हम लोगों को भरोसा हो गया कि अब कोरोना जैसी बीमारी नहीं आएगी। सबसे बड़ी महामारी के अंत का आगाज हो चुका है। देश में बनी वैक्सीन से महामारी पर विजय की तरफ भारत बढ़ा है। ये देश के लिए गर्व की बात है, ये देश के लिए जश्न की बात है। लेकिन राजनीति कोई मौका नहीं देखती, कोई मौका नहीं छोड़ती। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर फिर सवाल उठाए। ये कहा कि अगर टीका इतना ही सुरक्षित है तो सरकार के जिम्मेदार लोग टीका क्यों नहीं लगवाते। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जवाब दिया कि कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने में लगी है। आंखें खोलो, डॉक्टर अधिकारी सब टीका लगवा रहे हैं। इस पैंडेमिक में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कहा आपने जल्दबाजी दिखाई है, कहा पीएम पहले वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं अगर विश्वास लोगों का जीतना है, इस पर क्या? देखिए, देखने का नजरिया है। वैक्सीन क्या है? किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे पहले मेरी सुरक्षा मैं क्यों नहीं इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया उनकी हमें सुरक्षा करनी है। डॉक्टर हर्षवर्धन की बारी कब आएगी? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी बारी का इंतजार करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर तो हैं, लेकिन अभी किसी अस्पताल में मैं अस्पताल के हेल्थ केयर वर्कर की तरह काम नहीं कर रहा, इसलिए मेरी बारी आएगी तब जब देश को 50 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन मिलेगा, तो मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा। टीके पर हर तरह के भ्रम फैलाए गए, लेकिन पहले दिन ही ये भ्रम टूट गए। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने टीका लगवाया। डॉक्टर होने की वजह से सांसद महेश शर्मा ने भी टीका लगवाया। सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर राजनीति के बीच इस तरह के टीके पर भ्रम तोड़ना और भरोसा जगाना जरूरी था। एक तो मेरे लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं इस आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आए। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें, अब आगे बढ़ें, वैक्सीन लगा के हम अपने लोगों की प्रोटेक्ट करें जिनसे मोर्टैलिटी भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे और हमारा देश वापस पटरी पे आए। लेकिन इस सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर राजनीति और विवाद का कोई अंत नहीं। वैक्सीन पॉलिटिक्स का संक्रमण पश्चिम बंगाल में भी हो चुका है। यहाँ ममता सरकार ने वैक्सीन की कम सप्लाई का आरोप लगाया तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेल्थ वर्कर्स से पहले टीएमसी के विधायक और नेता वैक्सीन लगवा रहे हैं। हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता जी ने सबको पत्र लिखा कि ये वैक्सीन मेरी तरफ से बट रहा है, राज्य सरकार निःशुल्क बांट रही है। अभी तक चाल चोर, त्रिपाल चोर, कोल चोर और अब वैक्सीन चोर भी सरकार हो गई है। दूसरी बात, ये सिर्फ फ्रंटलाइनर्स के लिए था, पर मुझे पता लगा कि कुछ विधायकों ने, कुछ टीएमसी के सिंडिकेट चलाने वाले गुंडों ने स्वयं ने ये वैक्सीन लगा लिया। और उसके बाद ममता जी का बयान कि वैक्सीन कम है। अरे कम क्यों नहीं पड़ेंगे, जब आपके लोग दादागिरी करके वैक्सीन लगवा लेंगे तो कम तो पड़ेंगे ही। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में जब वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ तो सबसे पहले वहां के स्थानीय विधायक सुभाष मंडल को टीका लगा दिया गया। इसके बाद टीएमसी के कई और नेताओं को टीका लगा। इसके अलावा दूसरी जगह पर टीएमसी के एक और विधायक रवि चटर्जी ने भी टीका लगवाया। यानी हेल्थ वर्कर्स से पहले पश्चिम बंगाल के नेताओं का नंबर आ गया, जबकि वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से जब मीटिंग की थी तो ये खास तौर पर बात कही थी कि नेता वैक्सीनेशन की लाइन ना तोड़ें और अपनी बारी का इंतजार करें।
लेकिन पश्चिम बंगाल में तो नेताओं में सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवाने की होड़ है। आज तक ब्यूरो। तो वैक्सीन पॉलिटिक्स का जो नया चैप्टर आज देखने को मिला इस रिपोर्ट में आपने देख लिया। आगे बढ़ते हुए खबरदार में अब हम किसान आंदोलन की बात करेंगे। अन्नदाता के आंदोलन में खालिस्तान से जुड़े लोगों की एंट्री के आरोप लगाए जा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस आंदोलन की आड़ में कुछ देश विरोधी ताकतें भी सक्रिय हैं। ये सवाल इसलिए कि जांच एजेंसी एनआईए ने आंदोलन में विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में करीब 40 लोगों को समन भेजा है। इनमें कई बड़े बड़े किसान नेता भी शामिल हैं, लेकिन किसान आंदोलनकारियों को लगता है कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है और आंदोलन को खत्म करने में अपना जोर लगा रही है। पिछले करीब दो महीने से दिल्ली की सर्द रातों से लड़ते हुए सैकड़ों किसान अपने आंदोलन की आग को जलाए बैठे। मांग तीनों कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। अब तक 9 दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकला है। अब अगली उम्मीद 19 जनवरी की बैठक से है। लेकिन आंदोलनकारी किसानों और सरकार के घमासान के बीच एक नया विवाद जन्म ले चुका है, क्योंकि देश की जांच एजेंसी एनआईए ने किसान आंदोलन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते हुए करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा है, जिनमें कई बड़े किसान नेता भी हैं। एनआईए के इस एक्शन पर पहले से ही सरकार से सुलगे आंदोलनकारी किसान और भड़क गए, खासकर वो जिन्हें समन मिला है। नोटिस भेजने का कारण सरकार जिस तरह के अखलाकी हार जड़ी आ वो मनन भी तैयार नहीं। इसमें लंगर लगाएगा, उसको एनआईए के नोटिस। जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी से यहाँ किसानों को लेके आएगा, छोड़ के जाएगा, उसको एनआईए के नोटिस। जो किसान इसमें थोड़ी सी सरकार को सख्त भाषा में बोलते हैं, उनको एनआईए का नोटिस। तो सरकार इतनी कमजोर दुर्बल काम से हो गई। दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको समझाते हैं। एनआईए के आरोपों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी संगठन SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस कई देशों में किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर हंगामा कर रहा था। उसकी साजिश में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स भी शामिल है। खालिस्तानी संगठन देश के कई एनजीओ को फंडिंग भी कर रहे थे। खुफिया एजेंसी के मुताबिक SFJ शंभू बॉर्डर के आसपास के लोगों को खालिस्तानी झंडा लेकर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसा रहा था। सिख फॉर जस्टिस वही संगठन है जिसने 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने का ऐलान किया था। ऐसा करने वाले को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर इनाम देने की घोषणा की थी। सिख फॉर जस्टिस और दूसरे खालिस्तानी संगठनों को लेकर 12 दिसंबर को ही गृह मंत्रालय की बैठक हुई थी, जिसके बाद 15 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने जांच का आदेश जारी कर दिया। हालांकि देर से किसान आंदोलन के नाम पर सक्रिय हुई कांग्रेस ने जांच एजेंसियों को केंद्र की कठपुतली कहा है। कांग्रेस ने एनआईए, इनकम टैक्स और ईडी को सरकार का संस्थान कहा है। इस देश में 6 साल से मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री तो अमित शाह जी हैं, वो तो बड़े बड़े कारनामों के लिए मशहूर हैं। तो 6 सालों से उन खालिस्तानियों को आपने पकड़ा क्यों नहीं? आज जब किसानों ने इन 3 काले कानूनों का विरोध दर्ज किया तो आज ही आपको याद आई। आप 6 साल से यानी 72 महीने से सोए पड़े रहे, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपका केवल यही तौर तरीका है? किसान नेताओं को एनआईए के समन पर आंदोलनकारी किसान संगठनों ने अलग से आपसी बैठक की है और तय किया है कि 10वें दौर की बैठक में सरकार से इस पर भी बातचीत होगी। हमारी डिमांड भारत सरकार से है और भारत सरकार से हम ये काम करवाएंगे। जिस तरीके से बिल आए हैं अमेंडमेंट से, जो बिल आ जाए है, बिल ऑर्डिनेंस आए हैं और पार्लियामेंट ने पास करे, ऑर्डिनेंस जाए पार्लियामेंट से ही बिल खत्म होंगे। एनआईए ने कई किसान नेताओं को नोटिस भेजे हैं, हाँ, और समन करके बुलाया है।
हाँ ये तो ठीक चीज है भाई, सरकार पे अभी बहुत एजेंसियां हैं जो आंदोलन करेंगे। जब देश आजादी हुई तो उसमें तो फांसी भी हुई थी आंदोलनकारियों को ही ना, व्यापारियों को तो किसी को फांसी नहीं हुई, तो ये तो बहुत आगे तक बढ़ेगा। इस बीच आंदोलनकारी किसानों और सरकार में उथल पुथल के इस दौर में कृषि मंत्री ने फिर दोहराया है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। नरेंद्र मोदी सरकार सात अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और तीन नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। मामला कृषि कानून के विरोध से शुरू होता हुआ अब विदेशी फंडिंग के आरोपों तक जा पहुंचा है। एनआईए की जांच शुरू है जिसकी आंच किसानों तक आ रही है। कांग्रेस भी तिलमिलाई हुई है क्योंकि सियासत भी जरूरी है, लेकिन अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की आशंका में दम है तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जांच भी जरूरी है। दिल्ली से कमलजीत संधू, सोनीपत से पवन राठी, अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। लद्दाख में टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच चुका है। हड्डियां गलाने वाली इस ठंड में चीन के 10,000 सैनिक पीछे हट चुके हैं, लेकिन भारत के सैनिकों का हौसला बुलंद है। इसी हौसले की गर्मी से लद्दाख के बर्फीले मौसम में हमारे सैनिक डटकर खड़े हैं। एलएसी पर तनाव और -30 डिग्री वाली सर्दी के बीच आज तक पहला चैनल है जो एलएसी के करीब पहुंचा है। सबसे पहले आज तक उस पैंगोंग लेक तक पहुंचा जहां से 10 महीने पहले टकराव की शुरुआत हुई थी। 10 महीने के बाद अब पैंगोंग लेक पर क्या है हाल, आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सैनिक कैसे एलएसी पर दुश्मन से मोर्चा ले रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़, पहाड़ों से टकराकर लौटती गला देने वाली ठंडी हवाएं, -30 से 40 डिग्री तक लुढ़कता तापमान, ठंड इतनी कि जमीन पर खड़ा होना मुश्किल। सर्दी के मौसम में लद्दाख के इस हिस्से में जाना लगभग नामुमकिन है। भारतीय सेना के लिए लद्दाख का ये मोर्चा मानो नया सियाचिन है। ठंड का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पहाड़ों से उतरती नदी ही जम गई है। इस तस्वीर से इलाके में ठंड के कोहराम का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज तक पहला चैनल है जो इस दुर्गम इलाके में डटे जवानों के बीच से हालात को कैमरे में रिकॉर्ड कर देश के सामने ला रहा है। प्राणी जो स्थिति थी यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको बरकरार रखी, लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, सेना स्तर पर हो, यहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर हो, तो ये वो बातचीत की प्रक्रिया जो है अभी फिलहाल जारी है। पूर्वी लद्दाख के मोर्चे पर भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस बार सर्दियों में एलएसी पर सेना को एक साथ दो दुश्मनों से लोहा लेना पड़ रहा है, एक चीन और दूसरा मौसम। गलवान की लड़ाई के 8 महीने बाद ये पहला मौका है जब पैंगोंग लेक तक आज तक की टीम पहुंची है और हालात को जाना, चुनौतियों को समझा है। आज तक देश का नहीं बल्कि दुनिया का मात्र पहला ऐसा चैनल है जो भारत और चीन के सेनाओं के बीच विवाद के बाद पहली बार पैंगोंग सू लेक तक पहुंचा है। ये आप 16 जनवरी 2021 का पैंगोंग लेक देख रहे हैं, जिसको लेकर काफी आशंकाएं और काफी कुछ चिंताएं लोगों के मन में थी कि आखिरकार जो भारत और चीन के बीच में पैंगोंग सू में तनाव चल रहा है, उसके बाद इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे ऊंचाई पर
ताजा पानी के इस झील की क्या हालत होगी। हड्डियां जमा देने वाली सर्दी के बीच भारतीय सेना पेंगोंग लेक के आसपास पहाड़ों पर मोर्चा लिए हुए है। हमारे जवान 24 घंटे चीन पर चौकस निगाह रख रहे हैं। आसपास सब कुछ जम रहा है और दिन में भी तापमान शून्य से नीचे 10 डिग्री तक रहता है। झील ऑलमोस्ट ऑल जम चुकी है लेकिन पूरी तरह से अभी जमी नहीं हुई है। मैं साफ हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दरअसल ये खाड़ा पानी है इस झील का और यही कारण है कि ये माइनस टेम्परेचर में भी धीरे धीरे जमता है और फिर पूरी तरह से जनवरी के महीने में ये पूरा आपको जनवरी के अंत तक एक सफेद जो है समंदर दिखेगा क्योंकि पूरी तरह से जम जाने के बाद और फिर जाके ये अप्रैल के महीने में पूरी तरह से जो है मेल्ट हो जाता है। पर्यटकों में खासी लोकप्रिय पेंगोंग लेक इन दिनों जोखिम भरी रणभूमि से कम नहीं। एशिया के दो सुपर पावर भारत और चीन की सेना बिल्कुल आमने सामने की पोजीशन पर तैनात है। जरा सी चिंगारी इलाके में संघर्ष भड़का सकती है। फिंगर इलाके में हमें चीन से मुकाबले करने के लिए भारतीय सेना के मजबूत तैयारियों के खूब दर्शन हुए लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको सैन्य ठिकानों की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते। दरअसल जो फिंगरों को लेकर विवाद है पेंगोंग लेक की फिंगर्स जो है इस सिरे से शुरू हो जाती है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे वो वाला पहला जो है सामने फिंगर वन आता है फिर फिंगर टू आता है फिर आगे फिंगर थ्री आता है और जहां पर भारत और चीन की सेना आमने सामने बैठी है वो फिंगर फोर है। बिल्कुल आपको इस झील के कैमरे के आखिरी सिरे पे दिखेगा जहां पर वो ऊंची ऊंची सी चोटी है वो फिंगर फोर का इलाका है। दरअसल हमने सब कुछ ये देखा है यहां पर किस तरह से सेना की तैनाती है कहां कहां पर कितनी सेना भारतीय सेना की मजबूती यहां पर बड़ी है लेकिन देश और दुनिया का एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते वो तस्वीरें हम टेलीविजन पर सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखा सकते हैं। पेंगोंग लेक के फिंगर फोर के पास दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। विवाद की वजह यह है कि भारतीय सेना तनाव से पहले तक फिंगर एट तक पेट्रोलिंग करती थी लेकिन अब फिंगर फोर के उस पार चीन अपनी मोर्चा बंदी किए हुए है। सेना चीन से अप्रैल की पोजीशन पर वापस लौटने की मांग कर रही है। कई दौर की बैठक होने के बावजूद अब तक कोई रास्ता नहीं निकला। There is no doubt that Pakistan and China together form a very potent threat and there is an aspect of collusivity which cannot be wished away and that is also very much part of our strategic planning and calculus when we are formulating our plan. भारतीय सेना का भरोसा ऐसा कि एलएसी जाने की पाबंदी हटा दी गई। यह फैसला स्थानीय लोगों के लिए राहत की खबर है। पर्यटक तो खुश हैं, इलाके के लोगों को हालात कुछ सामान्य होने की उम्मीद लग रही है। इस साल हमारा चाहे बिजनेस वाला हो चाहे जो भी हो उसने हमें कभी दिक्कत आया है क्योंकि पेंगोंग लेक इस साल बिल्कुल ही बंद रहा है सर। एक साल के लिए अभी खुल गया तो हमें खुशी है मगर अभी तक हमारा होटल पूरा बंद है क्योंकि ये कोरोना की वजह से कोई आ नहीं रहा है। कोई आ नहीं रहा सर। जी जी। तमाम चुनौतियों के बीच सेना अपने पोस्ट पर तैनात है। प्रशासक पर्यटकों के लिए इलाके को खोल रहे हैं। उधर चीन की सेना लद्दाख की इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जैसे ऐसे ठंड बढ़ती जा रही है एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों का जोश ठंडा पड़ता जा रहा है। नतीजा एलएसी से चीनी सेना ने अपने 10,000 सैनिक वापस बुला लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सैनिक पेंगोंग झील से सटी 15 से 16 हजार फुट की ऊंचाइयों पर तैनात थे। यानी अब चीन को ये तय करना है कि वो एलएसी पर कितने दिनों तक टिके रहना चाहता है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची खर्चीली और जोखिम भरी रणभूमि सियाचिन पर मोर्चा संभालने वाले भारतीय सैनिक दुनिया के किसी भी मोर्चे पर टिके रह सकते हैं। चीन ये समझ गया होगा। एलएसी से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 10 महीने में चीन के हर हरकतों से एक बात बिल्कुल साफ है और वो बात यह है कि चीन भारत की बढ़ती ताकत से चिढ़ा हुआ है। उसे बॉर्डर पर भारत की तैयारियां चुटती रही हैं। भारत की इन तैयारियों में चीन की चिढ़ और डर दोनों को महसूस किया जा सकता है। असल में भारत ने अब चीन से लगने वाली दूर दराज की सैन्य पोस्ट को भी पक्की सड़कों से जोड़ने का काम तेज कर दिया है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एलएसी के दुर्गम इलाके में कनेक्टिविटी का काम तेज कर रही है और इसी से चीन का चैन सुकून चला गया है क्योंकि उसकी सैन्य रणनीतियों को भारत ने तगड़ा झटका दिया है।
चीन आखिर भारत से इतना क्यों चिढ़ा हुआ है? इसका सियासी पहलू एक तरफ है और दूसरी तरफ है इसका सैन्य पहलू, और उसमें भी सिक्के के दो तरफ आपको नजर आ जाएंगे, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। पहला तो यह है कि चीन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आहत रहता है कि भारत इस तरीके से उसे लेकर आंखें कैसे तरेरता है। भारत के सैनिक उसके सामने आंख में आंख मिलाकर खड़े रहते हैं और चीन के जो सैनिक हैं उस ठंड से बचकर उन्हें पीछे भागना पड़ता है, और वो भी हजारों की तादाद में। लेकिन जो सीमावर्ती इलाकों को बाकी के हिस्सों से जोड़ने का तरीका है, जहां पर बीआरओ बहुत तेज रफ्तार से काम कर रही है और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है इस समय, उसका कारण बहुत सारे हैं। पहला तो ये कि जो अप्रूवल का प्रोसेस था दो दो मिनिस्ट्रीज में उलझा रहता था, वो स्ट्रीमलाइन हो चुका है। अब उसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से और बहुत तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। जहां पर हम खड़े हैं ये रास्ता आगे नुब्रा वैली की तरफ जाता है। इस पर निर्माण सबसे पहले खरदुंगला के आसपास के हिस्से में हम देखते थे किस तरीके से निर्माण को तेजी दी गई थी 2015-16 के आसपास। इसके अलावा जो दुर्बुक शोक का इलाका हो जाता है, जो शोक वैली है, जो गलवान नदी का इलाका हो जाता है जहां पर चीन को बड़ी मुश्किल हो रही है वहां पर जमे रहने में, या फिर लद्दाख को जो बाकी हिस्सों से जोड़ता है, चाहे वो लंबा अटल टनल हो जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था लेकिन जिसके निर्माण के लिए दिन रात एक करके हमारे सैनिक जुटे रहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो उसमें जुटता है वो एक योद्धा की तरह ही होता है। आप लद्दाख में आगे आगे के इलाकों तक भी निकलेंगे तो आपको वहां पर निर्माण होता नजर आएगा। चीन को ये बातें बहुत चुभती हैं कि उसकी आंखें तरेरने के बावजूद, उसका गुस्सा दिखाने के बावजूद, उसके चिढ़ने के बावजूद क्यों नहीं हिंदुस्तान उससे डरता है। कैमरा पर्सन हितेश कुमार और सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। जिसकी तस्वीरें पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। आज पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पूरे देश से कनेक्ट करने के लिए 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो आधुनिक तकनीकी से लैस है। मेरा जी मोदी जी ना राज मारे, मेरा जी मोदी जी ना राज मारे, सौ सहमत तमारी वात मारे, पछी वट पड़े छे गुजरात मारे। ये पटरियों पर दौड़ता न्यू इंडिया है। भारतीय संस्कृति, कला और टेक्नोलॉजी का संगम जो विस्टाडोम में सिमटा हुआ है। इस ट्रेन की मंजिल भारतीय एकता और अखंडता के प्रतीक स्टैचू ऑफ यूनिटी तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और अहमदाबाद से केवड़िया के लिए ये ट्रेन दौड़ने लगी। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब हरी झंडी दिखाई गई तो देखे ट्रेन यहाँ पे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं और हम इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी यहाँ पे मौजूद थे रेलवे स्टेशन पर, और ट्रेन की शुरुआत जो है वो अब हो चुकी है। यहाँ पे सारी तस्वीरें भी लोग ले रहे हैं, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं वो अपने मोबाइल में हर एक तस्वीर को कैद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रताप नगर से जोड़ दिया। अब सैलानी सीधे स्टैचू ऑफ यूनिटी के दीदार के लिए जा सकेंगे। आप ट्रेन में सफर कर रही है, क्या कहेंगी? मैं यही बोलूंगी, न भूतो न भविष्यति। आज के पहले कभी न सोचा था न देखा था, और आज के बाद शायद कभी होगा नहीं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना वो मोदी सरकार का दाएं हाथ का काम है। इस अद्भुत ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए सैकड़ों लोग सफर के लिए पहुंचे, जिसमें सेलिब्रिटी से लेकर आम जन थे। गुजराती लोक गायिका गीता रबारी ने अपने गानों से सफर को और सुहाना बना दिया। ट्रेन गाड़ी आवी इतु केवड़िया जवानी, गुजराती लोको आ सफर नी मजा छे। ट्रेन गाड़ी आवी आ तो केवड़िया जवानी, गुजराती लोको हवे सफर नी मजा छे। अहमदाबाद से केवड़िया के लिए जो ट्रेनें चलेंगी उसमें विस्टाडोम वाले कोच लगे हैं, जिसमें यात्रा का एक अलग ही आनंद मिलेगा। विस्टाडोम कोच में सारी लग्जरी सुविधाएं हैं। यहाँ पे आपको ये नजारा दिखा रहे हैं, इसे विस्टाडोम कोच क्यों कहा जाता है ये देखिए। इसकी जो चेयर्स है ये पूरी 180 डिग्री तक घूमती है, और यहाँ पे बैठ कर आप यहाँ पे
जो बाहर का नजारा है उसे भी देख सकते हैं। नए डिजाइन के विस्टाडोम टूरिस्ट कोच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है। स्पीड के मामले में यह वंदे भारत एक्सप्रेस के बराबर है। पीएम मोदी ने भी नैरो गेज रेलवे की सुस्त रफ्तार को लेकर अपने पुराने दिन याद किए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बड़ौदा और रभोई के बीच में नैरो गेज रेलवे चलती थी। मुझे अक्सर उसमें यात्रा करने का अवसर रहता था। उस समय इस नैरो गेज ट्रेन से हम चलते थे और ये नैरो गेज ट्रेन का मजा ये था कि आप उसकी स्पीड इतनी धीमी होती थी, कहीं पर भी उतर जाइए, कहीं पर भी उसमें चढ़ जाइए, बड़े आराम से। इवन कुछ पल तो आप साथ साथ चले तो ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड ज्यादा है। तो मैं भी कभी इसका मजा लूटता था। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू और देश की एकता अखंडता के प्रतीक स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने जाने वाले लोगों के लिए ये ट्रेन एक बड़ी सौगात है और उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रेन की वजह से अब रोजाना करीब 1,00,000 लोग केवड़िया पहुंचेंगे। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।